चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया, उसकी एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करेंगे आज हम, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग ने 11.1 सॉल्व किया था, आज हम 11.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वन है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये सारी जो फाइव फिगर्स दी है वो सब पैरेललोग्राम्स है, और ये जो डॉटेड लाइन में है वो हाइट है, ठीक है। और ये जो हाइट जिसको परपेंडिकुलर है उसको कहा जाता है बेस। तो हमको यहाँ पे हाइट और बेस का यूज करके हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला है वो अभी हम देख लेते हैं। हमें पैरेललोग्राम उसे कहते हैं जो उसकी ऑपोजिट साइड एक दूसरे को पैरेलल हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे आई हुई होती है, उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। इसमें इस पैरेललोग्राम में ये और ये एक दूसरे को इक्वल डिस्टेंस पे आई हुई है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे को इक्वल डिस्टेंस पे आई है, इसलिए इसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम, पैरेलल आई हुई है, ठीक है। तो पहले हम पहला जो फिगर है उसके लिए हम उसका हम एरिया निकालेंगे। यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है उसको कहेंगे हाइट, ठीक है। हाइट ब्रैकेट में लिखेंगे एच। तो ये डॉटेड लाइन है हाइट, वो है 4 सेंटीमीटर, और दूसरा है बेस, ठीक है। तो बेस जिसको हाइट परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये जो हाइट है वो ये वाली साइड को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हो जाएगी बेस। तो ये बेस को हम बी से डिनोट करेंगे, ठीक है, वो है 7 सेंटीमीटर। अब हमको इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस। हाइट यहाँ पे दिया गया है 4 और बेस है 4 सेंटीमीटर, और बेस है 7 सेंटीमीटर, 4 7 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालता है, ये निकालना था, ये उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एच इंटू बी, हाइट इंटू बेस का मल्टीप्लाई कर दो, पैरेललोग्राम जो फिगर दी है उसका एरिया निकलेगा। यहाँ पे अब यहाँ पे हाइट होगी इस फिगर में, ये जो डॉटेड लाइन है वो 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका बेस ये आएगा, हाइट जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है ये वाली साइड, उसका बेस हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस। हाइट है 3 सेंटीमीटर और बेस उसका है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 × 5 = 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये पैरेललोग्राम का एरिया होगा। फिर यहाँ पे इस फिगर में जाएंगे तो इसकी हाइट साइड में हमारे स्पेस है, वहाँ लिखेंगे इसकी जो हाइट है वो है ये डॉटेड लाइन 3.5 cm, ठीक है। और इसका जो बेस है वो जिस पे हाइट परपेंडिकुलर है सी ए साइड 2.5 सेंटीमीटर, तो इसका बेस जो हो जाएगा वो होगा 2.5 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस। हाइट कितना है तो 3.5 सेंटीमीटर इंटू बेस 2.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 और 2.5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8, और यहाँ पे देखेंगे 2 डेसिमल है तो 8.75 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा ये वाली फिगर का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट ये वाली फिगर, ये इसमें ऐसे स्टैंडिंग लाइन थी सब में, ठीक है, और यहाँ पे अब है स्लिपिंग लाइन, ठीक है। ये डॉटेड स्लिपिंग लाइन ये है हाइट, ठीक है। तो हम यहाँ फिगर के नीचे लिख लेंगे हाइट इज इक्वल, तो ये 4.8 सेंटीमीटर हाइट है, और इसका बेस, इस फिगर का बेस होगा ये जो डॉटेड लाइन हाइट है उसको जो परपेंडिकुलर है वो 5 सेंटीमीटर उसका
बेस हो जाएगा। तो यहाँ आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, हाइट इनटू बेस लिखो या बेस इनटू हाइट सेम ही होता है, मल्टीप्लाई में बेस और हाइट की प्लेस बदलने से आंसर वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेस है 5 इनटू 4.8 सेंटीमीटर। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 14 = 24.0, तो जी पॉइंट के बाद जीरो है तो उसका लिखने की जरूरत नहीं है, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। अब इस फिगर में हम देखेंगे तो यहाँ पे डॉटेड लाइन हाइट हो जाएगी, इस फिगर की हाइट जो है वो है 4.4 सेंटीमीटर और इसका बेस ये है जिसको हाइट परपेंडिकुलर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट इनटू बेस, यहाँ पे हाइट 4.4 सेंटीमीटर है इनटू बेस जो है वो 2 सेंटीमीटर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन वन में हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना था, उसका फॉर्मूला हमारे पास है h इनटू b बराबर हाइट और बेस को मल्टीप्लाई कर दो, हाइट वो परपेंडिकुलर जो बीच में होता है, ठीक है ना, डॉटेड लाइन से जो बताया था वो हाइट था और ये था बेस, जिस पे हाइट परपेंडिकुलर होता है उसको उसका बेस बनता है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन वन में पैरेललोग्राम का एरिया निकालना था। अब ये क्वेश्चन वन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग है फाइंड एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, यहाँ पे ट्रायंगल दिया है उसका एरिया निकालना। इस ट्रायंगल में क्वेश्चन 1 की तरह हाइट और बेस दिया गया है सब में, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन है, इसमें हाइट और ये हाइट जिसको परपेंडिकुलर है ये साइड उसकी हो जाएगी बेस, लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ डॉटेड लाइन है नहीं, ठीक है। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा बेस, और इस फिगर में भी ये एक्स्ट्रा लाइन ये इसको हमें नहीं देखना है, ये इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर और ये इसका बेस है, और इसी का यूज करके हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का। फॉर्मूला वही है पैरेललोग्राम जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है एच इंटू बी मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पहले जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। तो इस फिगर में इसका हाइट जो होगा, इस फिगर की हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका जो बेस है बेस होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल तो 1/2, ठीक है, ये ऐड होगा, पैरेललोग्राम में 1/2 नहीं था लेकिन ट्रायंगल में 1/2 इनटू हाइट इनटू बेस, हाइट इनटू बेस पैरेललोग्राम में भी था ट्राइंगल में भी रहेगा, ये 1/2 मीन्स 2 से डिवाइड करना है, जो भी हाइट और बेस का मल्टीप्लाई करो उसको, ठीक है। तो 1/2 इंटू हाइट यहाँ पे है 3 और बेस है 4, तो यहाँ 2 और 4 दोनों 2 के टेबल में आता है तो ये कट जाएगा, 2 × 2 = 1 और नीचे रहेगा 1, तो यहाँ ऊपर बचे 1, 3 और 2 और नीचे आएगा 1, तो 1 × 3 = 3 × 6/1 = 6 cm², ठीक है। तो पहले ट्रायंगल का एरिया आएगा 6 cm², और यहाँ पे भी हम इसकी हाइट लिख लेते हैं। इस फिगर में हाइट ये डॉटेड लाइन है वो है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका बेस ये आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एरिया का ट्रायंगल एरिया ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला सब में सेम ही रहेगी, 1/2 × h × b, 1/2 × h × b,
ठीक है, 1/2 इंटू इसकी हाइट है 3.2, उसको हम लिख देंगे 3.2 ही अभी लिखते हैं, 3.2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1/2 इंटू 3.2 को 32 अपन 10 लिख देते हैं डेसिमल हटा के, और यहाँ 5, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, और ये भी कैंसिल होगा, 2 1 जा और ये 2 16 जा, और ये 16 भी 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 8 जा। तो यहाँ ऊपर 1 × 8 × 1 और नीचे 1 × 1, मीन्स 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई 8 होगा और नीचे 1, तो नीचे 1 है तो हम ओनली 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, नीचे 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 8 का 1 से डिवीजन 8 ही आंसर आएगा, तो सीधा हम लिख देंगे 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये वाली फिगर का एरिया आएगा। अब ये थोड़ा अलग है, यहाँ डॉटेड लाइन में बता दिया था कि ये इसकी हाइट है, लेकिन यहाँ पे हाइट ये वाली लेंगे, क्योंकि ये लाइन भी क्या है, ये नीचे वाली लाइन को परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट हो जाएगी। यहाँ पे हाइट जो है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका बेस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका हाइट और बेस है हमारे पास, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, 1/2 इंटू इसकी हाइट है 4 और बेस है 3, ठीक है। तो ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि टेबल में आता है 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ ऊपर 1 × 2 × 3 का मल्टीप्लाई होगा और नीचे 1, ठीक है, 1 × 2 × 2 × 3 = 6/1 = 6 square centimeter, ठीक है। तो इस तरह से हमने एरिया निकाला था ट्राइंगल। ये लास्ट वाला ट्राइंगल है, उसमें भी क्या है, ये जो लाइन एक्स्ट्रा दी है इसको हमें नहीं देखना है। इस फिगर में ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये स्टैंडिंग लाइन है, इसे हम लेंगे हाइट, ठीक है। तो ये फिगर की जो हाइट होगी वो होगी 2 सेंटीमीटर और इसका बेस होगा ये, ठीक है, वो है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। देखो यहाँ पे 1/2 और हाइट यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका बेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मीन्स 1 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 × 3 और नीचे है 1, 3 upon 1 = 3 square centimeter। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना था। यहाँ फॉर्मूला जो है क्वेश्चन 2 में वो पैरेललोग्राम जैसे ही है, लेकिन यहाँ हाइट और मल्टीप्लाई को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.2 का सॉल्व करते हैं, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। यहाँ पे देखेंगे तो बेस दिया है, हाइट दिया है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है। यहाँ पे हाइट नहीं दिया है, बेस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है। इसमें हाइट दिया है, बेस निकालना है हमको और एरिया दिया है। यहाँ पे भी हमको बेस निकालना है, हमारे पास हाइट और एरिया है पैरेललोग्राम का, और यहाँ पे पैरेललोग्राम का बेस दिया है और एरिया दिया है, हाइट हमको ढूंढना है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन करके हमने जो दिया है वहाँ पे हमको वैल्यू वो निकालनी है। तो पहले ए का सॉल्यूशन करते हैं। ए फिगर में हमको हमारे पास है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और बेस दिया है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस, ठीक है। तो हमारे पास एरिया है वो यहाँ पे लिखेंगे 246 और बेस हमारे पास है 20 और हाइट हमारे पास है नहीं, तो हम ये 246 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा हाइट। हाइट इज इक्वल टू, इससे हम डिवाइड करते हैं तो 20 1 जा 20 20 2 जा 40 20 3 जा, तो 123 12.3 cm जो है वो मिलेगी हमको, हाइट मिलेगी पहले वाले की। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 12.3
सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम बी की बी में है वो बी का भी पैरेललोग्राम का एरिया है और हाइट दिया गया, तो उससे हम निकालेंगे बेस, ठीक है। तो एरिया और पैरेललोग्राम हाइट इनटू बेस, तो हमारे पास जो एरिया जो है पैरेललोग्राम का वो है 154.5, ठीक है, सीएम स्क्वायर। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, और ये सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर है, ये सीएम स्क्वायर। इसमें सीएम स्क्वायर में सीएम कट होगा तो फाइनल आंसर सीएम आएगा, तो ये सीएम स्क्वायर लिखेंगे। और इसकी हाइट हमारे पास है 15, ठीक है, और बेस हमको निकालना है, 15 है वो सीएम है, सीएम लिख लेते हैं। अब देखो ये 154.5 स्क्वायर सेंटीमीटर को 15 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा बेस, बेस इक्वल टू बेस आपको अब हमको सीएम में मिलेगा, 15 वन जा 15 फिर आएगा 0 और 15 थ्री जा 45, डिवाइड करोगे तो 10.3 सीएम मिलेगा बेस की वैल्यू, ठीक है। सी, ठीक है, सी में हमारे पास है हाइट और एरिया है, तो एरिया और पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट इनटू बेस, तो हमारे पास हाइट है 8.4 सेंटीमीटर इनटू बेस, एरिया है 48.72। तो यहाँ हम 8.6, ठीक है, हम डिवाइड कर लेते हैं 4.872 डिवाइड बाय 84, डेसिमल अभी हम हटा लेते हैं, फिर ऐसा करते हैं अभी डिवाइड करना है पहले इधर ले लेते हैं 48.72, अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 100, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद दो नंबर है तो नीचे 100, और ये 8.4 है मल्टीप्लाई है वो आके यहाँ नीचे आ जाएगा, इसका हम डेसिमल हटाएंगे तो ये इसका 10 ऊपर लिखेंगे, ऐसा करने से क्या होगा कि डेसिमल के डेसिमल आएगा नहीं, उसके विदाउट हम क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे इसको। देखो ये 10 जा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ 10 बचेगा और बी, अब क्या करेंगे पहले इन दोनों का डिवीजन कर लेते हैं, 4872 डिवाइड बाय 84, ठीक है, तो 84 से करेंगे तो ये 6 जा करके चेक कर लेते हैं, 84 6 जा तो नंबर बड़ा हो जाएगा, 5 जा करेंगे 420, तो यहाँ पे 420 5 जा हो रहा है, ठीक है, 84 5 जा 420, ये 7 8 माइनस 2602, फिर 84 8 जा, यस 84 8 जा हो रहा है 672, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये किससे होंगे 58 से, ठीक है, अभी भी हमारे पास 58 यहाँ बच रहा है और यहाँ 10, तो 58/10 इज इक्वल टू बी, तो हमें बी मिलेगा, 10 है तो हमें पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल रख देना है 5.88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट दिया था, ठीक है, और बेस हमारे को हमको ढूंढना था। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे दो डेसिमल है तो हमने क्या किया 4872 लिखा और नीचे डेसिमल हटाया तो 100 लिख दिया, और ये 8.4 है उसको इधर लिया तो हमने उसको बना दिया 84, डेसिमल के पीछे एक नंबर है तो ऊपर 10 लिखना पड़ता है, ठीक है, इसका डेसिमल हटाओ तो नीचे 100 लिखने का, ये तो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर डेसिमल हटाने पे ऊपर 10 लिखना है, ठीक है, उसके बाद कैंसिल करना है, तो इस तरह से हमारा आंसर 5.8 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 5.8 सेंटीमीटर और ये आएगा 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डी का सॉल्यूशन हम निकालते हैं, डी डी में हमारे पास ये भी पैरेललोग्राम ही है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
इज इक्वल टू हाइट इनटू बेस, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया है 16.38 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइट तो नहीं है लेकिन बेस है 15.6 सेंटीमीटर। इसमें भी देखो डेसिमल है, ठीक है, तो 1638 कर देंगे और नीचे लिख देंगे इधर 100, ठीक है। और ये 15.6 इधर आ गया, हम इसको 156 बना देंगे। इसमें डेसिमल के बाद एक नंबर है तो ऊपर 10 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एच। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ 0 0 काट देंगे, नीचे बचता है 10, तो हम 1638 को डिवाइड कर देंगे 156 से, ठीक है। तो 156 वन जा 156, एक डेसिमल रखेंगे और हम क्या करेंगे, जीरो रख के नीचे लेंगे तो ये 780 हो रहा है। तो हम 156 फाइव जा करके चेक कर लेते हैं, 5 6 33 तो 780 होगा फाइव जा। तो इसको अगर हम कट करते हैं, ठीक है, तो ये कट होके 1.5 आ रहा है, ठीक है। अभी नीचे भी हमारे पास टेन है, ठीक है। तो 1.5 अपॉन 10 इज इक्वल टू एच। एच इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, ये 10 है तो ये डेसिमल एक प्लेस इधर जाएगा, 0.15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या करना है कि हमें हाइट यहाँ पे निकालनी थी, ठीक है। तो इस तरह से हम हाइट निकालेंगे, जहाँ पे बेस नहीं दिया है बेस निकालेंगे, ये इसका आंसर आएगा 0.15, ठीक है, तो सेंटीमीटर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो ये डी सॉल्यूशन में थोड़ा चेंज करना है। इसमें देखो हम डिवाइड करेंगे तो 156 वन चार 156 आ रहा है, फिर 13 माइनस 6 7 यहाँ 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से जब हम 8 लेंगे तो अभी नंबर छोटा पड़ रहा है तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 0 लिखेंगे और डिवाइड नहीं होने की वजह से 1 0 हम लेंगे, और जब हम कोई एक नया नंबर लेते हैं तो डेसिमल रखना, उस 0 को नीचे लेंगे। यहाँ 2 नंबर साथ में आ रहा है इसलिए 0 रखना पड़ा, और एक एक्स्ट्रा लिया है इसलिए यहाँ पॉइंट रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा 5 जा हो रहा है 780, ठीक है। तो ये करेक्शन यहाँ पे कर लेना है, यहाँ होगा 10.5, ठीक है। अब 10.5 यहाँ करना है, ठीक। अब 10.5 करेंगे तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा तो 1.05 सेंटीमीटर आएगा। तो थोड़ा ये करेक्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो डी है उसमें कर लेना है। यहाँ पे 1.5 था, वहाँ 10.5 करना है, फिर ये 10.5 और नीचे 10 बचता है, ये डेसिमल इधर किसके का, तो हाइट इसकी बनेगी 1.05 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये इतना करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। उसमें ट्रायंगल का एरिया दिया गया है और कुछ जो ट्रायंगल है उसमें बेस दिया है और कितनों में हाइट दिया है, ठीक है। तो वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पहला वाला जो ट्रायंगल है उसमें 15 सेंटीमीटर बेस दिया है हमको हाइट निकालना है और ट्रायंगल का एरिया दिया है। दूसरे वाले में हाइट दिया है हमको निकालना है, बेस एरिया दिया गया है। और थर्ड वाले में हमको बेस दिया है, हाइट निकालनी है और 170.5 उसका एरिया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बेस और हाइट की वैल्यू निकालनी है, जो भी हमारे को वैल्यू दी गई है उसके ऊपर से। तो पहला वाला हम सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला वाला जो है वो यहाँ पे बेस दिया है, ठीक है, बेस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया
एरिया ऑफ ट्राइंगल वो जो दिया है वो है 87 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको अब इसके ऊपर से निकालना है हाइट। ठीक है, तो हाइट हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल उसका फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया एरिया ऑफ ट्राइंगल 87 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस इज इक्वल टू 87 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इस पहले वाले में बेस हमारे पास है, तो हम बेस की जगह पे लिखेंगे 15 सेंटीमीटर और सामने लिखेंगे 87 स्क्वायर मीटर जो एरिया है ट्राइंगल का। अब 87 स्क्वायर मीटर यहाँ पे है और ये जो है 1/2 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 और ये 15 जो मल्टीप्लाई है वो चला जाएगा डिवाइड होने के लिए, तो 87 इंटू 2 करेंगे और डिवाइड बाय 15, 87 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 174 अपन 15। अब हमको 174 जो है उसको 15 से डिवाइड करना होगा, 174 डिवाइड बाय 15, 15 वन जा 15, टू रिमाइंडर 15 वन जा 15 एंड 9 रिमाइंडर। अब एक जीरो लेंगे उसको नीचे लेंगे तब हमें डेसिमल रखना है और 15 की टेबल में 6 जा होता है 90, तो यहाँ आंसर आएगा 11.6 सेंटीमीटर। वो जो हो जाएगी वो वैल्यू है, वो हाइट की वैल्यू है, यहाँ पे एच हमको लिखते जाना है। ठीक है, तो ये पहला वाला जो ट्राइंगल है उसकी हाइट होगी 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से पहला वाला हमें वैल्यू निकालना था हाइट का। ठीक है, दूसरे वाले में हम देखेंगे तो बेस निकालना है, हमारे पास हाइट दी गई है और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया है, तो सेकंड वाले का सॉल्यूशन निकालते हैं। सेकंड वन में है हाइट, ठीक है, हाइट है 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एमएम है, सेंटीमीटर नहीं है, एमएम है जो सेंटीमीटर से छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, तो सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू दी है। और यहाँ एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1256 स्क्वायर mm। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल उसका फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस जो है हमारे पास है नहीं, ठीक है, और हाइट है, हम वैल्यू पहले इधर एरिया की लिख देंगे 1256 mm स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं बेस इंटू हाइट, ताकि हमें क्या जो बेस निकालना है उसको वापस इधर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक ही साइड बेस रहेगा इधर ही लेफ्ट में। अब देखिए 1/2 इंटू बेस निकालना है हमको, हाइट है 31.4 इज इक्वल टू 1256। अब यहाँ से ये 1/2 इधर जाके ऐसे टोटल हो जाएगा 1256 इंटू 2 ऊपर आएगा 1 नीचे जाएगा। ठीक है, और ये 31.4 है उसको हम बनाते हैं 314, तो एक डेसिमल हमने हटाया 314, 31.4 तो यहाँ चला गया, उसका डेसिमल हटा लिया, तो डेसिमल के पीछे एक नंबर है तो यहाँ हम लिखेंगे 10। ठीक है, तो अब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 2 = 12 2512। ठीक है, और इंटू 10 अपॉन 314। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो यहाँ एक जीरो ऐड हो जाएगा 25,120 डिवाइड बाय 314। अब हम इसका डिवीजन कर लेते हैं, तो 314 एट जा कर लेते हैं, क्या होता है वो चेक कर लेते हैं,
2512 हो रहा है, तो यहाँ पे 314 ईट जा कट हो रहा है, ठीक है। और ये 314 ईट जा 2512 बच रहा है, एक जीरो रख देंगे तो आंसर आएगा 80 mm, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 80 mm, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब एक सम और हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 80 mm जो है वो आंसर आएगा, वो होगा बेस, ठीक है। यहाँ हमको बेस लिखते चलना है, बेस की वैल्यू मिलेगी 80 mm, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 80 mm, ठीक है। और ये हमारा था हाइट 11.6। अब तीसरे वाले में भी हमको हाइट निकालनी है, बेस दिया गया और दूसरा जो है वो है एरिया दिया है ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे सब लिख लेते हैं, जो जो भी हमें दिया गया है, तो बेस इक्वल टू 22 cm और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होगा 170.5 square centimeter, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, एरिया हमको दिया गया है 170.5 cm square, और यहाँ पे 1/2 अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 170.5 square centimeter, 1/2 इंटू, यहाँ पे बेस हमारे पास है 22, इंटू एच इज इक्वल टू 170.5 cm square, ठीक है। अब यहाँ से 170.5 जो है उसके साथ ये जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, या तो फिर हम यहाँ पे इनको कट कर देते हैं, 2 11 जाए कट हो जाएगा, तो यहाँ 11 खाली बचता है, 1 × 11 × h, तो ये यहाँ पे से यहाँ पे हमने 2 को कैंसिल कर दिया 22 के साथ, तो नीचे आएगा 11, ठीक है। तो 170.5 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 बन जाए 11, 6 और ऊपर से दिया 0, 11, 5 जा 55, 5 बचा। अब 5 को हम नीचे ले रहे हैं तब हमें डेसिमल रखना होगा, 11, 5 जा 55, 0 रिमाइंडर आया, मीन्स 15.5, ठीक है, एच की वैल्यू हमें मिल रही है। लास्ट वाले ट्राइंगल में 15.5 सेंटीमीटर वो हाइट होगी ट्राइंगल की, ठीक है। तो ये हमें ढूंढना था, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4, आपको कॉपी कर लेना है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमें जो दो दो हाइट दी है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ साइड की वैल्यू दी है, उसके ऊपर से हमें दो चीज़ें निकालनी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS है, PQRS पैरेललोग्राम है, उसका एरिया निकालना है, और QN मतलब ये हाइट निकालनी है अगर PS 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम पहले हमको कहा गया है, पहले प्रिंट कर लेते हैं, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये PQRS पैरेललोग्राम है, QM इज द हाइट फ्रॉम Q बराबर टू SR, QM जो है वो हाइट है किसके ऊपर, SR के ऊपर, ठीक है। और दूसरा SR एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q, QN जो है वो भी एक हाइट है, ठीक है, Q से यहाँ से यहाँ तक का हाइट है, QN जो है Q से निकलता है, और दूसरा किसको है, PS के ऊपर है वो हाइट, QN जो है वो, ठीक है। तो हम एक SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे SR दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और QN दिया है 7.6 cm, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू है, QM और SR, एक है हाइट और दूसरा है उसके ऊपर उसका बेस, ठीक है, ये हाइट है और ये बेस है, और ये PQRS पैरेललोग्राम है, तो हमें एरिया निकालना है PQRS का,
ठीक है, पहला एरिया हमको निकालना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू हाइट इनटू बेस, हाइट इनटू बेस। तो PQRS का हमारे पास हाइट है, हमारे पास एक बेस ये है और उसका हाइट ये है, तो इससे हमें PQRS का एरिया निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे हाइट में QM की वैल्यू लेंगे और बेस में लेंगे SR, ठीक है। तो यहाँ पे है QM की वैल्यू है 7.6 सेंटीमीटर और SR है इनटू 12 सेंटीमीटर, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें एक डेसिमल रख देंगे तो 91.2 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ रहा है पैरेललोग्राम PQRS का। तो यहाँ लिखेंगे 10 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज 91.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब दूसरा ये हमने ए का सॉल्यूशन निकाला है, एरिया निकाला है, ठीक है। अब बी में कहा गया है कि QN निकालना है, PS अगर 8 सेंटीमीटर, तो ये PS है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम QN इंटू PS करेंगे तो भी पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू, अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS निकालना है तो हाइट इनटू बेस इज इक्वल टू PQRS का एरिया हमारे पास है 91.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमारे पास हाइट QN हमको निकालना है, यहाँ पे बोला फाइंड QN, ठीक है। तो QN जो होगा वो हाइट होगा और बेस हमारे पास है वो है 8, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ आएगा 91.8 जो है वो सेंटीमीटर है, ठीक है, 91.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें QN निकालना है तो QN को यहीं रहने देंगे, QN से 8 मल्टीप्लाई है तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा राइट में, तो वो हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो सेंटीमीटर में मिलेगी QN की वैल्यू। तो हम डिवाइड कर देंगे 91.2 डिवाइड बाई 8, को नीचे लेंगे डेसिमल इसके पहले दो लगाएंगे, 8 4 32, तो रिमाइंडर 0 आया है, तो 11.4 सेंटीमीटर हमें QN की वैल्यू मिल रही है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर QN इज 11.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को हमें सॉल्व करना था, यहाँ पे 5% फिर कंप्लीट हो रहा है, ये आपको कॉपी कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी पैरेललोग्राम दिया गया है, उसमें हमें जो जो दिया है वो देख लेते हैं। पहले क्या दिया है, DL and BM are the heights on side AB and AD respectively। तो यहाँ पे DL जो है वो हाइट है AB के ऊपर और BM जो है वो AD की हाइट है, ठीक है ना। और पैरेललोग्राम ABCD है, ABCD पैरेललोग्राम दिया गया है। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस पैरेललोग्राम का एरिया है 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया है AB 35 सेंटीमीटर, हमारे पास AB की वैल्यू है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड AD 49 सेंटीमीटर। तो ये AD भी हमको दिया गया है 49 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ, हमें फाइंड करना है BM, ठीक है। एक तो BM हाइट निकालनी है एंड DL भी हाइट निकालनी है, तो ये दोनों हमको हाइट ही निकालनी है। तो ये एरिया हमें दिया गया है और एक बेस की वैल्यू दी गई है, तो उससे हम हाइट निकाल सकते हैं। तो पहला सॉल्यूशन हम पहले निकालेंगे BM, ठीक है ना। तो BM के लिए ये है BM, ठीक है। तो हमारे पास है AB
और बी एम का मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू, एरिया हमें दिया है 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम हमारे को बी एम पहले निकालना है, तो बी एम ये है, तो बेस इंटू हाइट फॉर्मूला है पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पे बेस देखेंगे वो है ए डी, ठीक है, क्योंकि हम पहले निकालने जा रहे हैं बी एम। तो ए डी इंटू बी एम इज इक्वल टू 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर। ए डी हमारे पास है 49, ठीक है, तो 49 सी एम इंटू बी एम इज इक्वल टू 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ हम बी एम लिखेंगे, बी एम इज इक्वल टू 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन 49 सेंटीमीटर। अब हमें 1470 का डिवीजन करना होगा 49 से, 1470 49 टू जा 90, 49 थ्री जा 147, तो 49 थ्री जा होगा 147, ठीक है, और एक जीरो नीचे लेंगे डिवाइड नहीं होगा तो ये जीरो ऊपर आएगा, तो यहाँ पे कैंसल होगा 30 से, ठीक है, वो आया बी एम, बी एम की हाइट है, ठीक है। अब दूसरा निकालना है डी एल की हाइट, ठीक है, तो डी एल निकालने के लिए भी हमें भी वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी दोनों का फिगर तो सेम ही है, ठीक है, खाली हमारे पास दोनों की हाइट और बेस अलग अलग है। तो अब हमें निकालना है डी ए, तो फॉर्मूला है पैरेललोग्राम का है बी इंटू हाइट इज इक्वल टू 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका बेस, बेस देखेंगे तो ए बी है, ठीक है, तो यहाँ पे बेस की जगह पे बी उसका नाम भी लिख लेते हैं, बेस जो है वो है ए बी, ठीक है, और इंटू हाइट जो है वो डी एल है, ठीक है, और डी एल हमको फाइंड भी करना है। यहाँ पे सेकंड वैल्यू जो निकालनी है डी एल की निकालनी है 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी हमारे पास है 35, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में ए बी 35 है, तो वो लिख लेंगे 35 सेंटीमीटर इंटू डी एल इज इक्वल टू 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना होगा, ये मल्टीप्लाई है उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइड बाय 35 सी एम, उससे हमें डी एल मिलेगा। अब हम 1470 को डिवाइड कर लेते हैं 35 से, 140, ठीक है, 35 4 जा 140 और 7 रिमाइंडर ऊपर से लिया जीरो, यहाँ होगा जीरो, 35 4 जा 70, तो 30 42 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 42 सेंटीमीटर जो है वो डी एल का वैल्यू है, और यहाँ पे बी एम जो था, बी एम वो था 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें हाइट निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास एरिया और बेस दिया है तो हम अलग अलग हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट ए, ए पे वो राइट एंगल है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है बी सी को परपेंडिकुलर है, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर फिगर में दिया ही है, और बी सी 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए सी 12 सेंटीमीटर है। इस सारी साइड्स की वैल्यू पे से हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, और दूसरा ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, ए डी जो हाइट है बी सी को परपेंडिकुलर है ए डी, तो ए डी भी हमें निकालना है।
तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एबी को हम बेस ले लेंगे और एसी को हाइट ले लेंगे, क्योंकि एबी और एसी एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, तो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे हाइट हम एसी ले रहे हैं, तो हम लिख देंगे हाइट की जगह पे एसी, और बेस ले रहे हैं एबी, तो यहाँ लिखेंगे एबी, ठीक है। 1/2 एसी हमारे पास है 12, एबी जो है वो है 5, तो यहाँ पे 6, 12 और 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल होगा, 2 1 जा और 2 6 जा, तो ऊपर रहने वाले बच जाने वाले नंबर हैं 1 × 6 × 5, ये नंबर रह जाते हैं, और नीचे रहता है 1, तो 1 × 6 6 6 5 = 30, ठीक है। 30/1 = 30 cm, तो ट्राइंगल स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आएगा 30 square cm। अब इसके बाद भी सॉल्व करना है, हमको निकालना है एडी, तो हमारे पास अगर ट्राइंगल का एरिया है, तो हम उससे हम ट्राइंगल का एरिया है, तो हम यहाँ पे एडी निकालना है, तो उसका बेस दिया गया है, तो हम एडी उससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 1/2 × बेस × हाइट, ठीक है। एरिया हमारे पास है वो है 30, ठीक है, और बेस, बेस यहाँ पे है बीसी, तो बे है 1/2 × बेस BC लिखेंगे, और हाइट इसकी होगी एडी, ठीक है, एडी हाइट और बेस बीसी। अब यहाँ होगा 30 × 1/30 = 1/2 × BC जो है वो 13 है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 13 × AD, ठीक है। तो यहाँ 30 × ये 1/2 है, उसका रेसिप्रोकल 2/1 हो जाएगा, और 13 जो है मल्टीप्लाई एडी और 1/2 से फिर यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद हमें मिलेगा एडी, एडी इज इक्वल टू 30 × 2 = 60 हो जाएगा, और 13 × 1 = 30, तो यही हमारा आंसर बनेगा, वो होगा एडी, ठीक है। एडी इज इक्वल टू 60/13 cm, बुक में यही आंसर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से सर 60/30 दिया, तो हम इतना ही करेंगे, डेसिमल में निकालना नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलस विथ एबी एंड एसी, तो आइसोसेलस ट्राइंगल पहले हम बना लेते हैं। आइसोसेलस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है, यहाँ पे ट्राइंगल का नाम है एबीसी, और एबी इज इक्वल टू एसी, मीन्स ये दो साइड की लेंथ इक्वल है, वो है 7.5 cm एंड बीसी 9 cm, बीसी जो थर्ड साइड है वो 9 cm है। हाइट फ्रॉम द हाइट एडी फ्रॉम ए, ए से हाइट है, ठीक है ना, एडी हाइट है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बीसी इज 6 cm, तो एडी की हाइट जो है ये, इसकी हाइट भी है वो है 6 cm, एडी 6 cm, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये जो आइसोसेलस ट्राइंगल दिया है उसका एरिया निकालना है। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी, तो हाइट फ्रॉम सी टू एबी दैट इज सी, तो सी की अब हमको क्या निकालना है, हाइट भी निकालनी है, यहाँ पे ये है सी, ठीक है। तो पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 × बेस × हाइट, तो यहाँ पे बेस हमारे पास एक है 9 है, ठीक है, बेस उसका नाम लिख लेते हैं बीसी इंटू हाइट भी, बेस और हाइट अगर हो ट्राइंगल का, तो हम एरिया निकाल सकते हैं, तो यहाँ बेस 9 cm है और जो हाइट है वो 6 cm है, तो हाइट का जो नाम है वो है एडी, 1/2 BC है 9 × AD की वैल्यू है 6 cm, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 = 2
त्रिज्या, तो 1 × 9 × 3/1 इज इक्वल टू 9 × 9 = 9, त्रिज्या 27/1 = 27² सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल का एरिया आया। अब दूसरा सॉल्यूशन है वो हमें निकालना है CE, ठीक है। तो CE निकालना है हमारे पास, उसका बेस है AB 7.5, तो हमें CE हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 × बेस × हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 × इसका बेस जो होगा वो हो जाएगा AB, ठीक है, और हाइट हो जाएगी CE, ठीक है। और अब यहाँ पे एरिया है 27² सेंटीमीटर, 27² सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 × AB जो है वो है 7.5 cm, और फिर CE हमको मिलेगा उससे। तो यहाँ पे 27, अब ये 1/2 इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये 7.5 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है 1/2 और CE के साथ, यहाँ होगा CE इज इक्वल टू, अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 54/10, इसको 10 कर देते हैं और नीचे लिख देते हैं 75। तो यहाँ डेसिमल था इसलिए हमने क्या किया, डेसिमल अगर हटा के 75 किया 7.5 को, तो ऊपर 10 करना पड़ेगा, 27 × 54 होता है और ये डेसिमल हटाया तो 10 देगा। अब हमें 540 को 75 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका डिवीज़न। 540 डिवाइड बाय 75, तो 75 से हम डिवाइड करेंगे तो 75 75 करके चेक करते हैं, यस, तो 525 हो रहा है, ठीक है। तो 7 × 525 होता है, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ होगा 1 और एक 0 रखेंगे और उसको नीचे लेंगे और यहाँ डेसिमल पॉइंट 75 × 150, ठीक है। तो 7.2 आ रहा है, जो सी की वैल्यू मिलेगी वो होगी 7.2 सेंटीमीटर, तो हमें सी निकालना था, ठीक है। तो इस तरह से हमें पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना था, फिर जो सी की हाइट है वो भी यहाँ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ट्राइंगल का जो है, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, उसका यूज करके हम हाइट भी निकाल सकते हैं, बेस भी निकाल सकते हैं। आगे दो टेबल हमने किए थे उसमें कहीं ट्राइंगल के एरिया दिए थे, उसमें से हम हाइट कभी देते हैं तो बेस निकालते हैं, बेस देते हैं तो हाइट निकालते हैं, वैसा ही यहाँ पे भी करना था। यहाँ पे अभी ये एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो रही है, आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है।